यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक अनदर मास्टरपीस है हमारे पोको के F5 डिवाइस के लिए, जहाँ पे आपको बेहतरीन से कस्टमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं इस रोम के साइड से, और वो हर एक चीज़ आपको मिलती है जो कि आपको डेली लाइफ में एक रोम के साथ नीड होती है जिसका आप यूज करते हो, और साथ साथ परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे सुपर डुपर देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि रोम कैसा है, क्या कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है, आपको इसे यूज करना चाहिए या नहीं, और साथ साथ लास्ट में मैं आपको इंस्टॉलेशन भी शो कर दूंगा ताकि आपको इंस्टॉल करते से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, और आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि प्लीज़ यह लाइक करके शेयर किया करो, क्योंकि आजकल आप लोग व्यूज नहीं दे रहे हो, वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, अगर ऐसा ही रहा तो मुझे रोम्स रिव्यू लीव करना पड़ सकता है। इसलिए रिक्वेस्ट इतना ही है कि प्लीज़ यार कर दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, बस थोड़ा बहुत व्यू चाहिए होता है, तो उससे मैं खुश हो जाता हूँ, आपके लिए कंटिन्यू लेके आते रहता हूँ। तो अगर इतना ही आप करते हो तो मैं कंटिन्यू रख पाऊँगा, तब मुझे मजबूरन लीव करना पड़ेगा, तो प्लीज़ शेयर किया करो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे AI वाला वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि भाई मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। कुछ विजेट्स वगैरह मैंने अप्लाई कर रखे हैं चाइना वाले, जो कि यहाँ पे प्रॉपर अनलॉक मिलते हैं, सुपर आइकन भी आपको अनलॉक मिलता है। मैंने डिफरेंट सा यहाँ पे आइकन लगा रखा है जो कि आप थीम डाउनलोड करके यूज कर पाओगे। आईफोन वाला स्टाइल है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, रिसेंट सेंटर जो कि यहाँ पे प्रॉपर काम करता है। यहाँ पे आपको UI फुल्ली स्मूथ फील होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और कोई भी लैग स्टेटर मुझे देखने को नहीं मिला। अगर हम कैमरे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कैमरा लेटेस्ट वाला प्रोवाइड किया गया, जो कि अभी हाल फिलहाल में नया UI के साथ आया था ना, वही सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है जो कि मुझे पसंद आया, और काफ़ी कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको अनलॉक मिल जाते हैं। कैमरे की सेटिंग के अंदर आप जैसे इन करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग टैब देखने को मिलते हैं, फोटो के अलग कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है, वीडियो का अलग आपको देखने को मिल जाता है, जनरल का यहाँ पे अलग दिया गया है, और एडिशनल भी अलग आपको देखने को मिलता है। तो कैमरा रियली में काफ़ी इंप्रूव्ड है और काफ़ी बेटर है, जो कि आपको पसंद आएगा। अगर हम आते हैं सेटिंग के अंदर और माई डिवाइस पे, तो आपको देखने को मिलता है हाइपर चार्ली OS 2.0.2.0.1.4 पे रन कर रहा है, एक स्टेबल है 2.2 का हाइपर OS का अपडेट, जिसे मॉडिफाइड किया गया है हमारे चार्ली की तरफ से। वहीं पे हम बात करते हैं इसके डिटेल एंड इन्फो की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड 15 5 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यहाँ पे ऐड हो चुका है, जबकि अभी तक जितने भी अपडेट आए थे उन सभी में 4 मंथ का ही देखने को मिला था और 3 मंथ का, तो ये चीज़ सही है। बाकी ये चाइना बेस है तो स्मूथनेस बेटर रहता है, बाकी आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से रूट कर सकते हो या फिर नन रूट मेथड भी यूज करते हुए इसे आप नन रूट भी कर सकते हो, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप इसे क्या करना चाहते हो। बाकी यहाँ पे आपको जो सेटिंग UI काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। एडिशनल के अंदर आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो जो भी लैंग्वेज यूज करना है वो आपको यहाँ पे मिलता है बेनिफिट। बाकी फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन, अकाउंट, यूजर वगैरह सब कुछ आपको मिलते ही हैं। अगर हम आते हैं बैटरी के अंदर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्क्रीन ऑन टाइमिंग, जो कि प्रॉपर दिया गया है काम करते हुए, और यहाँ पे चार्जिंग के ऑप्शन है, जो कि आप नॉर्मली यहाँ पे देखोगे कि स्पीड चार्जिंग आपको देखने को मिलता है। मैं आपको यहाँ पे फिलहाल दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने चार्जिंग चेक करा है और यहाँ पे चार्जिंग बूस्ट काफ़ी सही है, जो कि 39 में जो 76% चार्ज हुआ है, और पता है ना कि 80 के बाद स्लो चार्जिंग होती है, फिर भी यहाँ पे स्पीड आपको काफ़ी सही देखने को मिलता है। अनदर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट वर्किंग है, साउंड के प्रोफाइल में कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे आपका इंडिविजुअल ऐप सारे काम करते हैं डार्क मोड में, जो कि अच्छी बात है, जो कि नॉर्मली ये काम नहीं करता चाइना वाले ऑफिशियल स्टॉक रोम के अंदर, बट यहाँ पे एक्टिवेट किया गया है। एडवांस टेक्सचर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, रिफ्रेश रेट में आपको 60, 90 और 120 दिया गया है, तो अपने हिसाब से जो भी आपको यहाँ पे यूज करना है कर सकते हो। लॉन्चर यहाँ पे मॉडिफाइड और एडवांस वाला है, जहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इनहेंस ब्लर का ऑप्शन एडवांस टेक्सचर का है, फोर्स डार्क का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे सर्च और प्रोवाइडर वगैरह है, उसके अलग स्टाइल है, यहाँ पे फोल्डर ब्लर वगैरह आपको मिल जाता है। रो एंड कॉलम की बात करें तो ये तो ज़्यादा नहीं है, कमी है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सर्च बार के स्टाइल के अलावा यहाँ पे अनलॉकिंग एनिमेशन वगैरह और आइकन साइज, जहाँ पे आपको बैकग्राउंड का, आइकन स्टाइल का और डॉक के कस्टमाइजेशन भी मिलते हैं, जो कि आप यहाँ से कस्टम कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से, कैसा रखना है कैसा नहीं, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको जो मिल जाती है, तो इन सभी का स्केल का यूज करते हुए इसके अंदर बदलाव ला सकते हो। बैक क्यों आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है जेस्चर्स वगैरह, जहाँ पे प्रीव्यूड ऐप का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये आपका एनिमेशन है, और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे स्टॉक स्टाइल भी ऑन कर सकते हो, जो कि आपका आईफोन वाला लुक देगा। यहाँ पे ब्लर कैसे रखना है, हैवी या नहीं, बाकी कॉर्नर कितना रिड्यूस करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हुई नजर आती है, और ये प्रॉपर वर्किंग है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आता, लैग स्टेटर नहीं रहता, तो लॉन्चर एडवांस है और स्मूथ काम भी करता है।
नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टाइल, नोटिफिकेशन हिस्ट्री और जो 2.2 का ये फीचर्स है ना, कस्टमाइज टॉगल डिस्प्ले, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि पहले भी मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ से भी आप ऑप्शन ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे वही सारे कॉमन से ऑप्शन आपको मिलते हैं जो कि आपने पहले भी यूज कर रखा है। लॉक स्क्रीन बिल्कुल ही सिंपल रहता है, लेकिन हाँ यहाँ पे कस्टमाइज शॉर्टकट का एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जो कि HyperOS 2.2 का ये फीचर्स है। यहाँ पे लेफ्ट में क्या शॉर्टकट रखना है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा बदलते हुए। तो पहले सिर्फ 2-3 ऑप्शन थे, अब यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा आ चुके हैं। तो जो भी आप ज़्यादा यूज करते हो जैसे कैमरा वगैरह या फ्लैश लाइट, वो आप सेट कर सकते हो। राइट में क्या रखना है ज़्यादा यूज करने वाला, वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो एक नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड हुआ है जो कि काफ़ी सही है, काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि लंबे टाइम से ये फीचर्स नहीं था। यहाँ पे वॉलपेपर पर्सनलाइज के अंदर आते हैं, तो भाई यहाँ पे AI डायनेमिक काम करता है। जहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही वॉलपेपर को यहाँ पे कन्वर्ट किया है, जो कि भाई लोड नहीं ले रहा, आई थिंक नेट हमारा ऑफ था इसलिए। हाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हम आते हैं नॉर्मल फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपको देखने को मिल जाता है ब्लर का और लेंस वाला फीचर्स भी यहाँ पे अनलॉक किया गया है। बट जब डायनेमिक वॉलपेपर है ना, तो ना ही मैं ब्लर यूज करने वाला, ना ही लेंस यूज करने वाला, बट आप यूज करते हो तो देख लेना। बाकी यहाँ पे ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं किया गया है, काफ़ी तक सिंपल रखा गया है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस वगैरह सही है। जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं 2.2 के, वो भी काफ़ी बेहतरीन है। वहीं पर बात करते हैं हम इसके बाकी तो चीज़ों की, जैसे कि परफॉर्मेंस रिजल्ट क्या कुछ आता है, तो चलिए वो देख लेते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यार अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। तो पहले आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपका जो प्ले स्टोर वो सर्टिफाइड रहता है, यानी बैंकिंग ऐप यूज कर पाओगे। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम पोको F5 के अंदर आपको ये तीनों पास देखने को मिलते हैं, बेसिक, डिवाइस और स्ट्रॉन्ग, जो कि हर बार है जो दो ही पास रहते थे और थर्ड आपका फेल रहता था। तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली बैंकिंग और बाकी अदर सिक्योरिटी वाले एप्लीकेशन को यूज करने में, तो ये चीज़ मुझे पसंद आया। और अनदर सबसे बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे डिवाइस लॉक्ड शो करता है, तो ये प्रूफ यहाँ पे ऐड किया गया है। तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि अनलॉक होने के बाद काम नहीं करते, तो यहाँ पे ये दिक्कत नहीं आती, और ये चीज़ भाई मुझे काफ़ी सही लगा। यानी प्रीमियम फीचर्स यहाँ पे भाई समझो कि एक तरीके से ऐड हो चुका है, तीनों पास है और यहाँ पे ये भी आपका लॉक शो करता है। फोटो स्टोरेज अनलॉक है जो कि बेसिक नीड है आज के टाइम पे सभी की। L1 का सपोर्ट आपको मिल जाता है। कैमरा वगैरह हमारा काम करता है, नो इशूज। साथ साथ चार्जिंग मैंने आपको शो कर ही दिया था। बैटरी ड्रॉप जो कि 99 के बाद मॉर्निंग में आ जाता है हमारा 96, यानी फुल नाइट में 3% का बैटरी ड्रॉप है। यहाँ पे 8 hours 53 का यहाँ पे स्टैंड बाई टाइमिंग है, और ये मैं कहूँगा कोई खास ज़्यादा नहीं है, अच्छा है, सही है। अनदर यहाँ पे Antutu स्कोर की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा रहता है, टॉप नॉच रहता है, तो इसमें भी आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली स्कोर के मामले में। तो आप देखोगे CPU टोटल का रिजल्ट नॉर्मल टेस्टिंग पे फर्स्ट डे में ठीक आता है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे मैं गेम टर्बो का बूस्ट मोड ऑन करता हूँ और दोबारा जब मैं रन करता हूँ, तो 3,97,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पर 3,55,000 93 का परसेंटेज निकल के आता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन, यानी टॉप नॉच कह सकते हैं, यहाँ पर रिजल्ट आपको दिखाई देता है। वहीं पर हमारा जो गीक बेंच है, ये भी आपको टॉप नॉच प्रोवाइड करता है, यानी कोई दिक्कत यहाँ पर भी आपको नहीं आने वाले स्कोर से रिलेटेड। और साथ साथ डॉक का फीचर्स मैंने शो कर ही दिया है। साथ साथ लॉन्चर के अंदर एक हाइट का आपको सेटिंग मिलता है, तो लॉन्चर में बहुत कुछ फीचर्स दिया गया, आप देखोगे एक्सप्लोर करोगे तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी, आप देख लेना। बाकी यहाँ पे भाई मैंने अलग अलग आइकन पैक यूज किए थे, उसी के ये स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा है। और हाँ, इस रोम के साथ एक छोटी सी इशू आपको आ सकती है मे बी, कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो वो लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई कांट इंस्टॉल या पैकेज एरर या समथिंग कुछ लिखा हुआ, अगर एरर आता है तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें करनी पड़ सकती है। आप चाहो तो CMD कमांड रन करके ये चीज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने ऑरेंज फॉक्स से फॉर्मेट के टाइम कुछ चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको कोई एरर आता है, एप्लीकेशन काम नहीं करता, तो अपने फ़ोन को सिंपली फास्ट फूड मोड में डालो, बग जेगर ऐप कनेक्ट कर लो, या फिर PC है तो PC में CMD कमांड ओपन कर लो। फर्स्ट कमांड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है फास्ट फूड इरेज FRP, ये रन कर दो। सेकेंड कमांड यहाँ पे फास्ट फूड इरेज मेटा डेटा, और थर्ड कमांड यहाँ पे फास्ट फूड इरेज यूजर डेटा, ये तीनों को रन कर देना। उसके बाद अगर आपका ऐप इंस्टॉलेशन का एरर आ रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा। गूगल अकाउंट लॉगिन होने में दिक्कत आ रही है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये तीनों कब करना, जब आपका गूगल प्ले स्टोर पे अकाउंट लॉगिन ना हो और दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ना हो, तो अदरवाइज ये करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मे बी किसी किसी यूजर्स को आ रहा है, इसलिए मैं ये आपको बता दिया हूँ। तो फॉर्मेट टाइप से रिलेटेड कुछ इशू रहता है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी नीड आपको नहीं पड़ने वाली। तो टेंशन मत लेना, जब इशू आए तभी आपको ये करना है। तो टोटल यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इस रोम की तरफ से। और रोम भाई रियली में काफ़ी स्टेबल है, परफॉर्मेंस भी दे रहा है आपको, कस्टमाइजेशन भी ओवरऑल अच्छे मिल जाते हैं, और HyperOS 2.2 के ऊपर भी रन कर रहा है, स्मूथनेस भी लाजवाब है। तो यार मेरी तरफ से तो ये फुल्ली रिकमेंडेड होने वाला है। अगर आप ऐसे रोम को नहीं यूज करोगे तो भाई कैसे रोम को यूज करोगे। तो अभी जाओ इंस्टॉल करो, और हाँ इससे पहले लाइक और शेयर जरूर कर देना इस
वीडियो को और बाकी अदर वीडियो पे भी सपोर्ट दिखाओ, ऐसा नहीं है कि जिस पे बोलो सिर्फ उसी को, क्योंकि व्यूज आते हैं तो मज़ा आता है, ठीक है। और चलिए देखते हैं इंस्टॉल कैसे करना है इसे। हाइब्रिड रोम को फ्लैश करने के दो तरीके होते हैं, या तो TLRP मेथड या फिर PC मेथड। तो यहाँ पे पहले TLRP देखेंगे। सबसे पहले फोन को ऑफ करना है, पावर टर्न एंड वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपके फोन का रिकवरी ओपन हो जाएगा। जो भी रिकमेंडेड रिकवरी रहेगा उसी का यूज करना है। उसके बाद आपको अपने फोन के अंदर जो रोम है उसे ब्राउज करना है, सेलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। मे भी कुछ रोम में है जो परमिशन मांगता है कि आपको रूट करना है या नहीं, कर्नल फ्लैश करना है या नहीं। तो अगर आता है तो वॉल्यूम अप डाउन का और पावर बटन का यूज करते हुए आप अपना कमांड रन करवा सकते हो और फ्लैश करवा सकते हो, अदरवाइज सिंपली फ्लैश हो जाएगा। अगर फ्लैशिंग के टाइम में कोई भी एरर आता है तो आप सिंपल रिबूट टू रिकवरी करके रोम को रीफ्लैश करो। और ऐसे सिचुएशन में समटाइम आपका जो TLRP या ऑरेंज फॉक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी और रिकवरी के साथ, तो उसी रिकवरी का यूज करते हुए आप रोम को फिर से रीफ्लैश कर देना। ध्यान रखना कि आपका रोम सक्सेसफुली फ्लैश होना चाहिए, चाहे वो रिकमेंडेड रिकवरी हो या जो रिप्लेस हुआ है उसके हेल्प से हो। जब कंप्लीट फ्लैश होता है तब एक बार रिबूट टू रिकवरी कर लेना और फाइनल फॉर्मेट कर देना। फॉर्मेट करने के बाद जैसे आप रिबूट करोगे कुछ ही मिनट में आपका फोन ऑन हो जाएगा, आप सेटअप करके यूज कर पाओगे।